नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। काफ़ी सारे सेक्टर के काफ़ी डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन है, कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें बियर मार्केट में दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर रहे हैं, विच एक्चुअली आई डू नॉट वॉन्ट। और कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। सो दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का टाइम प्रेशियस है। मंथन पटेल, Q&A, a bit of question, कोई question off नहीं है till the time, वो investment और wealth से related है। Can I buy a car on loan in current situation? अरे भाई, एक ही investment ऐसा है जिसको कि मैं तो somehow पसंद नहीं करता हूँ। लोग कार को kind of investment समझते हैं कि भाई ये मेरा अच्छा investment है, कि मैं उससे office जा सकता हूँ, मैं उससे you know अपना काम कर सकता हूँ, अपनी family को घुमा सकता हूँ। Somehow मुझे car एक liability लगती है, और actually मैं car is a liability only। Somehow I never prefer to buy very high एंड कार्स। दो चीजें हैं जो कि मुझे कभी हाई एंड पसंद नहीं है, एक है कार और दूसरा है मोबाइल फोन। भाई मुझे लगता है इन दोनों की एक लाइफ है, और एक लाइफ के बाद आपको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। तो ये मैं यू नो उस लेवल का, उस रेंज का, प्राइस रेंज का बेस्ट लेता हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कि मैं 1 लाख का फोन ले रहा हूँ, सेम द वे द कार गोज। नाउ कमिंग ऑन टू स्ट्रेट टू योर क्वेश्चन, विल द इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कार लोन बी लेस एट दिस टाइम? मेरा मानना यह है कि इंटरेस्ट कम हो ना हो, कार के प्राइसेस ज़रूर कम हो जाएंगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर। तो अगर आपने अगर अभी तक कार को लेने के लिए वेट किया है, तो मेरा मानना है 3-4 महीने और आप वेट कर लीजिए, कार के प्राइसेस और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है रिसेशन के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं। डी ए वेल्थ फर्स्ट, आज तो मज़ा आ गया HDFC लिमिटेड में। ओके, आई गेव द कॉल, थैंक यू सो मच, आई होप यू मेड सम मनी। माय क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू प्रेफर फॉर ट्रेडिंग, F&O और डिलीवरी? भाई देखो, मैं तो सही बताऊँ तो मैं पोजिशनल, आई प्रेफर टू डू पोजिशनल ट्रेडिंग, कि भाई बाय लो सेल हाई, और वो भी ड्यूरेशन में, से अराउंड अ वीक और मे बी 10 डेज और 15 डेज और मे बी अ मंथ। लेकिन इस समय मार्केट वैसी है नहीं कि डिलीवरी की जाए। तो भाई आजकल तो मामला बड़ा गड़बड़ है, कि अगर आपको बिल्कुल श्योर शॉट पता है कि आज ही मेरा ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ही आप ट्रेडिंग करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। रिगार्डिंग F&O मैं बिल्कुल ना के बराबर करता हूँ, क्योंकि सम हाउ मुझे मेरा मतलब F&O की ज़रूरत उसकी पड़ती है जिसके पास यू नो कैश को थोड़ा कम क्वांटिटी का हो, तो मार्जिन लेके काम चलाता है। भाई जब कैश में ट्रेडिंग कर सकते हो, जब आप ऑलरेडी 4 लाख के स्टॉक ले सकते हो सुबह, तो फिर F&O क्यों करना? इसलिए मैं F&O प्रेफर नहीं करता, मैं सीधे कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करता हूँ। सर, आई रिसेंटली ज्वाइन द मेंबर एज अ ब्रॉन्ज, कैन आई प्लीज नो हाउ टू यूटिलाइज द पर्क्स आई हैव रिसीव्ड? देखो भाई, मयंक ऐसा है कि 3 मेंबरशिप हैं, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड डायमंड, है ना, 3 ही तो हैं, सिल्वर भी है बीच में, यस। तो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड में डिफरेंस ये है कि इनके कुछ यू नो पोस्ट में डिफरेंस है। गोल्ड को इंट्राडे के कुछ यू नो एजुकेशनल रिकमेंडेशंस मिलते हैं, प्लस सारे पोस्ट जो नीचे वालों को मिलते हैं वो गोल्ड को मिलते हैं। डायमंड को सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, प्लस व्हाट्सएप में यू नो ही दे गेट एसोसिएटेड डायरेक्टली विद मी ऑन व्हाट्सएप, प्लस इसके अलावा दे कैन ऑफ कोर्स आस्क क्वेश्चन ऑन दी व्हाट्सएप, प्लस दे कैन कम फॉर दी पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन एज वेल। तो ये हैं ब्रॉडली पर्क्स जो कि मुझे बैक ऑफ द माइंड याद हैं। आलोक शुक्ला, सर ऑन योर रिकमेंडेशन आई हैड अर्लियर बॉट हीरो मोटो एंड HDFC बैंक। भाई ये तो 2-2 महीने पुराने की बात है, उसके बाद तो मैंने कह रखा है आप लोगों को कितनी बार कि ऑटो सेक्टर से निकल जाओ। कम से कम 1.5 महीना हो गया कहते हुए, तब निकल जाना चाहिए था। और HDFC बैंक, आपने अगर इस अभी तक इसको होल्ड करके रखा है तो अभी सेल करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ गुड स्टॉक, इट्स अ कोर पोर्टफोलियो स्टॉक, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स विच यू कैन हैव इन योर पोर्टफोलियो। तो इसको अगर नहीं भी सेल किया है तो भी चलेगा, बट इसको तो मैं कब से बोल रहा हूँ निकलने को, और अभी भी नहीं निकले हैं। तो अब तो इतना गिर गया, अब क्या निकलोगे, अभी तो इतना अभी तक नहीं निकले, तो फिर अभी होल्ड ही करो। मून वॉकर, हेलो सर, कीप अप द गुड वर्क, मार्केट रोज अप टू 8600, विल इट कम बैक टू 8200? आई थिंक इट कैन, इट वेरी वेल कैन। किसने कहा कि मार्केट अभी नीचे नहीं आएगी? शुड वी होल्ड और इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड नाउ? यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड विद अ प्लान। पहला आप 8200 का ले लो, फिर उसके बाद 7500 का ले सकते हो, जब वो पहुंच जाता है वहाँ पर यू नो एट द रेंज ऑफ 7500 एंड सो ऑन। इस प्रकार से मैंने इसका एक वीडियो बनाया है। ऑल्सो आई विश टू स्टार्ट एन SIP, शुड इट बी फिक्स्ड टर्म और शुड इट बी टिल कैंसल्ड?
मेरा मानना यह है कि इट शुड बी इन द भाई देखो, मैं तो SIP को समहाउ यूज़ करता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकता, राय नहीं दे सकता कि आप टिल कैंसल्ड करो या फिर फिक्स टर्म के लिए करो। ये बिल्कुल गोल बेस्ड और यू नो एम बेस्ड होती है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि भाई आपको एजुकेशन के लिए चाहिए डॉटर के लिए, तो डॉटर की 18 ईयर्स के बाद आपको चाहिए होगी हायर एजुकेशन के लिए या फिर शादी के लिए एंड सो ऑन, तो 18 ईयर्स का फिक्स टर्म होगा। अगर आपको यू नो रिटायरमेंट के लिए चाहिए, यू नो डिविडेंड वाला कुछ चाहिए, तो वो टिल कैंसल्ड होगा। तो ये टोटली कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है भाई, इसमें मैं क्या बता सकता हूँ। रश्मि दास सर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। आई बॉट इन्फो 8630 एंड TCS 1780। व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट बाय लेवल? मेरा मानना यह है कि आपने दोनों स्टॉक्स को बहुत अच्छे प्राइस पे खरीदा है, सो अभी तो फिलहाल अभी इनको होल्ड करो, अभी थोड़ा और गिरावट आती है तो देखते हैं, अदरवाइज बहुत अच्छे प्राइस में खरीदा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। समीर पटेल भाई, अभी पोजिशनल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं प्लीज़, अभी आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो दिन का दिन ही पोजिशन काटनी है। अगर आप इसको होल्ड कर लोगे तो आज मार्केट 400 पॉइंट ऊपर, कल मार्केट 400 पॉइंट नीचे, बहुत ज़्यादा नुकसान में आ सकते हो, प्लीज़ ऐसा मत करना। एफ़ल का बाय प्राइस, मेरे हिसाब से एफ़ल थोड़ा और गिरेगा, अभी एफ़ल को IPO प्राइस के नीचे आना पड़ेगा तभी वो लेने काबिल होगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत मतलब हालत ख़राब है उसकी। अदरवाइज स्टॉक की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, स्टॉक इज गुड क्वालिटी। सागर देव मैथी, हाई सर, इन अ पोर्टफोलियो 4 to 5 lakhs यू शुड हैव 5 to 6 shares। हाँ, यू कैन हैव इवन मोर देन 6, यू कैन हैव 8, नॉट मोर देन 10 फॉर इन एनी केस, बट येस द लेसर द बेटर, बट इन्वेस्टिंग मोर देन 10% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल शेयर इज नॉट एडवाइजेबल। इनफैक्ट 10% भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 15% भी कर सकते हो, बट एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नॉट हैव मोर देन 20% ऑफ कैपिटल। मेरा एक वीडियो है हाउ मेनी स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो, डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, उसको जाकर देख लो, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। प्रसन्ना पांडे, वेन वी क्रिएट पोर्टफोलियो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स विल चेंज एज वी एड रिमूव? एब्सोल्युटली इट डज। हाउ टू मेंटेन दैट नॉट मोर देन 20% इन वन सेक्टर? तो उसके लिए आपको पहले अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना पड़ता है कि भाई मैं इसमें, मैं ऑटो में ले रहा हूँ, मैं इंफ्रा में ले रहा हूँ, मैं FMCG में ले रहा हूँ, मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में ले रहा हूँ, मैं से मिसलेनियस में ले रहा हूँ, या फिर मैं ऑयल एंड गैस में ले रहा हूँ। तो ये सेक्टर हो गए, अब इन सेक्टर में 2, 3, 4, 5, 6, तो भाई 6 में डिवाइड करोगे तो 16.66% एलोकेशन हुआ। तो 16.66% को आप डिवाइड कर लीजिए, उस हिसाब से करना पड़ता है, तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा टेक्निकल होता है। सुमित पिडूरकर, Q&A, गो करोना गो। अरे हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ भाई। सर आपने इतने शेयर बताए कि कन्फ्यूज बहुत हो रहा है कि प्लीज़ हेल्प मी आउट। अरे तो सलमान खान वाली बात हो गई, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन प्लस इन्वेस्टमेंट कैपिटल के हिसाब से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। ऑल्दो सुनना सब कुछ है, क्यों, सुनने से क्या बेनिफिट है, आपका होराइजन वाइड होता है, आपको लगता है यार ये स्टॉक तो और भी अच्छा आ गया, तो अपनी वॉच लिस्ट में मेंटेन करना है पहले तो नंबर वन कि भाई कितने यू नो इमीडिएट प्लेलिस्ट कौन सी है, सबसे बेस्ट स्टॉक, टॉप स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, इस प्रकार से आप अपने वॉच लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो। और उनमें से जो बस एक वॉच लिस्ट बना सकते हो सेक्टर लीडर्स, तो सबसे सेक्टर लीडर बना दी, एक बना दी टॉप 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 स्टॉक्स, एक बना सकते हो ब्लू चिप स्टॉक्स, एक बना सकते हो हाई रिटर्न स्टॉक्स। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बना करके उनमें स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, उनमें से जो जो स्टॉक्स आपको अच्छा लगता है उनको आप ले लीजिए, भर भर के लेने की जरूरत थोड़ी नहीं है। हाउ टू डील विद फेलियर्स एंड हेटर्स? अरे मैं इससे बड़ा परेशान हूँ, फेलियर्स तो भगवान की दया से और बड़ों के आशीर्वाद से आज तक अभी फेलियर का ज़्यादा सामना करना नहीं पड़ा, थैंक यू सो मच यू नो फॉर यू ऑल ऑल्सो, आप लोग का प्यार और मोहब्बत भी है, लेकिन इनसे बड़ा परेशान हूँ मैं यार। यू नो वीडियो स्टार्ट होता है, मुश्किल से 2 मिनट नहीं होती है, उसमें दो उसमें ऑल्दो लाइक होते हैं 100 के ऊपर 2 मिनट के अंदर, लेकिन 2-3 तो मतलब 15 सेकेंड के अंदर डिसलाइक आ जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता भाई इन लोगों का क्या करूँ, इन लोग का कोई दवाई नहीं है, उन लोग से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ कि कृपया करके इतनी हेटरेट क्यों रख रहे हो, मैं भी इंडिया का हूँ, आपका ही भारतवासी देश का ही नागरिक हूँ, कोई यू नो आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम योर एनी एडवर्सरी कंट्री, सो प्लीज़ यू नो हैव, इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ भाई, मैं हेटर्स के साथ भाई डील करने का मेरे को कुछ इससे ज़्यादा तो कुछ चारा मालूम नहीं है। गुरु जी प्लीज़ आज तो Q&A क्वेश्चन पिक कर लो। थैंक यू फॉर लाइटनिंग अस Q&A। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते एक वक्त AMCs में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए? अरे ये गलती मत करना मेरा भाई,
ये गलती मत करना। म्यूचुअल फंड में अगर आपने ले लिया है तो आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड लेना है। उसका मतलब क्या है, बेस्ट म्यूचुअल फंड ले लिया तो मतलब उसने खुद ही, उसके ऊपर आप छोड़ दो, फिर उसकी जिम्मेदारी पे छोड़ दो कि उसने डाइवर्सिफिकेशन करना है। उस डाइवर्सिफिकेशन के बाद आप और डाइवर्सिफिकेशन एक्स्ट्रा म्यूचुअल फंड करने लगोगे तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा। एक म्यूचुअल फंड में 50 कंपनी, आपने ले ली 10 कंपनी तो हो गई 500 कंपनियां। 500 में कुछ एवरेज मान लोगे तो कम से कम हो गई 350 कंपनियां। 350 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे? आर यू सीरियस? आई हैव ICICI एट 490, इफ आई सेल एट CMP एंड बाई इट अगेन ऑन द सेम डे, सो विच प्राइस आई गेट? अगर आपके पास 490 का है, आपने इसको सेल किया 490 पे और वो गिर के हो गया 450, है ना, 450 हो गया, तो आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें 490 रुपये ही दिखाएगा, लेकिन जो ये 45-40 रुपये का मुनाफा हुआ है पर शेयर आपको, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। बाकी आपका स्टॉक 490 का ही दिखा करेगा आपको। एज फ्यूचर प्लान मैनेजमेंट इन बिजनेस विच इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म, बाटा रिलैक्सो, दोनों सॉलिड हैं। डाबर गोदरेज, यू नो, दोनों ही अच्छे हैं। मतलब आई समहाउ प्रेफर डाबर ओवर गोदरेज, बट एट द सेम टाइम गोदरेज इज ऑल्सो वेरी गुड। इसमें तो हैंड्स डाउन एशियन पेंट्स, नो डाउट अबाउट इट। धीरज जोशी, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ ऑन विच स्टॉक टू हैव विद रिस्पेक्ट टू द पोर्टफोलियो वैल्यू। मैंने बता दिया ना आपको, उसका वीडियो नीचे पड़ा हुआ है, हाउ मेनी स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो, उसको देख लो आगे, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। हेलो सर, काइंडली एक्सप्लेन HDFC गैप अप हुआ और अप ही गया, डाउन नहीं? अरे HDFC लिमिटेड कल गिरा था 11%। HDFC लिमिटेड, आर यू सीरियस? 11% गिरने के बाद आप क्या सोच रहे हो, वो अगर इतना खुलेगा तो उसमें ऑलरेडी इतनी भयंकर शॉर्ट कवरिंग होगी कि वो ऊपर ही निकलता चला जाएगा। ओके, तो उसमें गैप कवर होने की कोई गुंजाइश थी नहीं, इसलिए मैंने आपको उसका सिर्फ बाय का ही रिकमेंडेशन दिया था। सर प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है मार्केट डाउन होने से पहले और अभी अप्रॉक्सीमेटली 30% लॉस में हूँ। कोई बात नहीं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो इतना तो देखना पड़ेगा ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मुझे NAV मिली थी म्यूचुअल फंड में, वो NAV म्यूचुअल फंड मैनेजर सेल और बाय करते हैं क्या? जो म्यूचुअल फंड वाले क्यों NAV बाय करें सेल करेंगे, वो स्टॉक सेल बाय करते हैं। और इस कैश मार्केट में म्यूचुअल फंड को बेनिफिट होगा या नहीं, इस क्रैश मार्केट में म्यूचुअल फंड को भी उतना ही बेनिफिट होगा जितना कि किसी एक स्टॉक होल्डर को होगा, बट एट द सेम टाइम जो ये अभी पेन आपको दिख रहा है ना, ये दिखता रहेगा। आई थिंक टुडे मार्केट रैली वॉज फेक, आई थिंक इट वॉज, इट मे और मे नॉट बी फेक, बट आई एम वेरी श्योर विनय बंसल दैट मार्केट विल करेक्ट अगेन। विल बजाज फाइनेंस डेफिनेटली गो टू 1800? यार डेफिनेटली का तो मैं कोई वो तो हूँ नहीं, ज्योतिषी तो हूँ नहीं, बट येस एज पर एनालिसिस मुझे लगता है 1850 शुड बी द टारगेट, आना चाहिए जो टेक्निकली दिख रहा है आ सकता है। हाउ टू बाय फॉरन स्टॉक्स? फॉरन स्टॉक्स यू कैनॉट बाय टिल द टाइम यू आर नेशनल सिटीजन ऑफ, यू नो, इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया की नेशनैलिटी लिए हुए हैं तो आप फॉरन स्टॉक्स बाय नहीं कर सकते। अगर आपके पास, इफ़ यू आर हैविंग सिटीजनशिप और मे बी, यू नो, वीज़ा वगैरह होता है ना, H-1B वीज़ा और मे बी ग्रीन कार्ड ऑफ फॉरन कंट्रीज, तो फिर आपके पास वहाँ की सिटीजनशिप, यू नो, वहाँ पर आप अकाउंट खोल सकेंगे। लाइक जो NRIs हैं वो लोग भी इंडिया में अकाउंट नहीं खोल सकते अगर उनका इंडिया के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल उनके आधार और उनका वो सब, यू नो, लिंक्ड नहीं है मोबाइल से, तो दे कांट इवन ओपन दी अकाउंट्स इन इंडिया। सर व्हाई डिड रिलायंस जंप? रिलायंस इसलिए आज जंप हुआ क्योंकि उसने आज कुछ पैस फंड रेजिंग का प्लान था, NCDs वो इशू कर रहा है और उस चक्कर में फंड रेजिंग होगी, तो फंड रेज होगा तो उसको उसके ग्रोथ को फ्यूल करने में आसानी होगी। गॉड ब्लेस यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच। ब्रह्मा रेड्डी अलावला जी, सुभदीप सरकार, सर VIP और नौकरी स्टॉक कैसे हैं? VIP और नौकरी स्टॉक बहुत अच्छे स्टॉक हैं, लेवल बताइएगा प्लीज़। लेवल अभी इन दोनों को भी मत खरीदो, मेरे हिसाब से लगता है नौकरी को सही खरीदने का प्राइस 1800 के नीचे है और VIP तो अभी और टूट सकता है। रेस्पेक्टेड वेल्थ फर्स्ट Q&A, कैन ITC शुड बी रिप्लेस्ड बाय HUL? यस, ITC कैन बी रिप्लेस्ड बाय HUL, बट एट द सेम टाइम बाय नॉट सेलिंग। अभी ITC को अगर अभी तक बेचा नहीं है तो अभी मत बेचो, इसमें बेचने लायक कुछ रह नहीं गया, तो बेच करके HUL मत लो, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो HUL उतना तेज ऊपर नहीं जाएगा जितनी तेज वो स्टॉक जाएंगे जो कि इस समय गिरे हुए हैं। वन मोर, व्हाट अबाउट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज फॉर एवरेज दिस टाइम?
आप ले सकते हो HDFC लाइफ, तो मैंने कल ही बोला था, आज ही 7-8% ऊपर था। गौतम अरजारे, सर F&O और डायरेक्ट स्टॉक विच इज़ बेटर? भाई मैं तो डायरेक्ट स्टॉक लेता हूँ और यू नो कैश में ट्रेड करता हूँ, बाकी आप चाहें तो F&O भी ले सकते हैं। थोड़ा हिडन रिस्क रहता है और थोड़ा फास्ट ट्रेड है, वॉल्यूम ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा शेयर्स में आप ट्रेड कर रहे होते हो, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, नुकसान भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। डियर सर काइंडली टेक माई क्वेश्चन टुडे, आई टुक इंडेक्स फंड लास्ट वीक फॉर 5,000 लास्ट टाइम लास्ट वीक व्हेन निफ्टी वॉज लो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, टुडे निफ्टी रोज अप बट माई फंड वैल्यू इज़ नॉट, इट्स शोइंग लो। अरे उसको लास्ट वीक लिया था ना, तो आई थिंक वो 2 दिन में अपडेट हो जाता है, वो हो जाना चाहिए। इफ नॉट टुडे देन प्रॉब्ली बाय टुमारो इट विल गेट अपडेटेड, हो जाता है वैसे 3 दिन में। हैव नेस्ले 10 at 16,260, ओहो महंगा ले लिया। टुडे इट वॉज ट्रेडिंग हायर, शुड आई बुक प्रॉफिट और हैव कैश एंड री इन्वेस्ट वेन इट फॉल्स अगेन? मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा ले लिया है, चाहो तो आप 5 एग्जिट कर सकते हो, यू कैन एग्जिट 5 एंड कीप रेस्ट, और बाकी जब नीचे गिरता है तो और ले सकते हो, क्योंकि नेस्ले बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया। आई डोंट कंसिडर इट टू बी सो कॉस्टली, ऑल्दो अभी रिसेशन में यही स्टॉक भागेंगे, HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, यही स्टॉक भागेंगे। धीरज गुरु जी, हम्बल रिक्वेस्ट इफ यू कुड मेक अ वीडियो ऑन कमोडिटी ट्रेडिंग, बनाता हूँ मैं यार नजीब, आई ट्राई टू मेक इट एट द अर्लीस्ट। ब्यूटिफुल सब्जेक्ट टॉट ऑन मेनी ऑन यूट्यूब बट यू आर गुरु जी एंड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग द टफेस्ट सब्जेक्ट इन द मोस्ट सिम्प्लीफाइड मैनर, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एंड सिम्प्लीफाई दिस टॉपिक एज वेल एज एडवाइज बाई यू, सिंस मार्केट इज कॉन्सोलिडेटिंग 2,200, नाउ द नीड टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू बाय फ्रॉम हेयर ऑन विल इट बी स्टार्टिंग टुमारो ऑनवर्ड्स, सो 25% ऑन कैश इन हैंड ओनली। सो मेरा मानना यह है कल से अभी इतनी जल्दी भी ओवर नो ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट फाइंड अपॉर्चुनिटी टू बाय फ्रॉम एवरी डिप, लेकिन एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है बाइंग में, प्लीज़, मुझे लगता है मार्केट विल फॉल मोर। डियरेस्ट वेल्थ फर्स्ट, विच वन इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड ग्रोथ, इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स और US इंडेक्स? आपको ये मालूम होना चाहिए समित कि भाई निफ्टी इंडेक्स और US इंडेक्स में फ़र्क क्या है। ये है इंडिया का इंडेक्स, ये है US का इंडेक्स। US की GDP की ग्रोथ कितनी है मालूम है? मुश्किल से 2 या 3%। इंडिया की जब मिनिमम गिरी से गिरी चल रही है तो वो चाह रही है 4.5, तो इंडिया की जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हैं दे आर फार हाई, दे आर फार मोर यू नो फास्टर दैन US। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का इंडेक्स लेना बेहतर है बजाय कि US का इंडेक्स, बाकी आपकी मर्जी है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ ज़ेरोधा कॉइन? ज़ेरोधा कॉइन से आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, और ज़ेरोधा कॉइन खोलने के लिए आपके पास ज़ेरोधा में अकाउंट होना चाहिए, उसका लिंक नीचे पड़ा हुआ है, जाके आप खोल सकते हैं और म्यूचुअल फंड में बहुत आराम तरीके से म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटी स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर मैं 10 के शेयर ट्रेड किया, 10 रुपये का लिया, 15 रुपीज़ सेल किया, तो क्या चार्जेस लगेगा? चार्जेस आपको मालूम होना चाहिए, ज़ेरोधा में बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं, मैक्सिमम अगर आप कोई ट्रेड लेते हो चाहे 10 रुपये का लो, 10 रुपये का लोगे तो आपको 0.01 रुपीज़ पर 100 लगता है, और अगर आप 1 करोड़ का ले रहे हो तो मैक्सिमम लगेगा 20 रुपीज़, तो ऊपर का लिमिट कैप्ड है, नीचे का कम होता चला जाएगा। कमोडिटी स्टॉक को कैसे पहचाने सर हम? अरे भाई कमोडिटी स्टॉक, कमोडिटी मतलब होता है जैसे कि स्टील, जैसे कि यू नो स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, शुगर हो गया, ये कमोडिटी हैं, इन्हीं को यू नो जो बेसिक आइटम्स ऑफ लाइफ हैं इनको कमोडिटी बोलते हैं। आयरन हो गया, गैपिंग का सीक्रेट टिप क्या है सर? गैपिंग का यू नो गैप ओपनिंग का मैंने एक गैप स्कैल्पिंग का एक वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा आप, और इसका एक मुझे और वीडियो बनाना है जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब आई दैट इज़ स्टिल लेफ्ट टू बी मेड, आई विल ट्राई टू मेक इट द अर्लीस्ट, क्योंकि बायोकॉन का गैप फिल हुआ, HDFC नहीं हुआ, HDFC का मैंने बता दिया क्यों नहीं फिल हुआ। सर गिव योर ओपिनियन बर्जर वर्सेज कांसाई, बर्जर इज़ अ शेड बेटर दैन कांसाई नेदरलैक, आई पर्सनली फील, और बाइंग प्राइस अभी सारे के सारे अपने हाई पे चल रहे हैं क्योंकि क्रूड डाउन है, थोड़ा क्रूड में जब उछाल आएगा ना तो इस सब नीचे आएंगे धीरे धीरे करके, तो थोड़ा वेट कर लो प्लीज़। हाय सर, एम आई द ओनली वन हु फील्स देयर इज समथिंग फिशी अबाउट IRCTC? भाई IRCTC का क्या है ना, IRCTC इसमें चल रहा है सर्किट्स में, नीचे के सर्किट फिर ऊपर के सर्किट, तो ऐसे स्टॉक में मैं समा हुआ ट्रेड नहीं करता जिसमें कि सर्किट्स लग रहे हों। तो बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ट्रेन नहीं चल रही है, क्वार्टर रिजल्ट भी नीचे होंगे, तो ऐसे में बाय तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, और जो खरीद रहा है उसको खरीदना, तो वो खरीद क्यों रहा है, वो वैल्यू बाइंग कर रहा है, ठीक है, आपको वैल्यू बाइंग में शामिल होना तो आप शामिल हो जाइए, मैं तो नहीं शामिल हो रहा। योर सजेशंस एंड गाइडेंस मैटर्स अ लॉट ध्रुव,
पीएफ का 75% पैसा विड्रॉल करके गुड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन अभी टाइम नहीं आया है, थोड़ा वेट कर लो। एटलीस्ट वेट फॉर Q4 रिजल्ट्स। एक बार Q4 के रिजल्ट्स देख लो, फिर आपको समझ में आएगा कि भाई मार्केट किस दिशा में जा रही है, और उसके बाद आप चाहो तो इन्वेस्ट कर लो। बाकी या तो कोई भी स्टॉक आप ले रहे हो तो 2-4-5% ऊपर या नीचे टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे बॉटम पे ही लेना है। तो 2-4-5% अगर ऊपर भी ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डोंट वरी। ठीक है, बाकी आपके नीचे के स्टॉक्स अच्छे हैं, नो डोंट वरी। राहुल शर्मा, आई हैव ज्वाइन गोल्ड मेंबरशिप टुडे, हियर इज माय क्वेश्चन। वन थ्योरी सेज पोर्टफोलियो विद 5 लाख इन्वेस्टेड शुड हैव 5 स्टॉक्स, अदर थ्योरी सेज नॉट मोर देन 20% इन सिंगल स्टॉक। बिट कन्फ्यूज। अरे दोनों का मतलब एक ही है, 5 लाख का 20% इज 1 लाख। ठीक है, तो आपके पास 1 लाख है, 5 ही शेयर तो आएंगे, और दो 5 लाख में आप 8 शेयर भी रख सकते हो, इनफैक्ट 10 भी रख सकते हो, 50,000 रुपये भी बहुत होते हैं एक स्टॉक के लिए। Okay, Rahul Raj. Hello, sir. Thanks for so much good quality videos. Small question. When I traded in stocks and made some small profit fearing it will go down and when I sold it went up. अरे ये एक बहुत ही बिगिनर ट्रेडर की मैंटेलिटी है। जब उसका स्टॉक थोड़ा मूव करना शुरू करता है तो उसको डर लगता है कि मेरा स्टॉक नीचे ना आ जाए, तो वो तुरंत क्या करता है, बुक कर लेता है, और स्टॉक क्या होता है और ऊपर चला जाता है, फिर लगता है यार मैं क्यों मैंने बुक कर लिया। तो आपको डर होता है कहीं ये नीचे ना आ जाए, और जब और वहीं पर जब स्टॉक नीचे गिरना शुरू करता है, आपने बाय किया और वो स्टॉक नीचे गिरने लगा, तो आप इस उम्मीद में बैठ रहते हो कि शायद अब ऊपर आएगा, तो और नीचे जाता है, वो लगता है यार अभी तो ऊपर आएगा, फिर और नीचे चला जाता है, तो इसलिए आपके लॉस बढ़ते चले जाते हैं और प्रॉफिट कम होता है। ये नए ट्रेडर की खासियत है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको अपने टारगेट और स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। टारगेट अचीव हो गया, टारगेट शुड बी मैक्सिमम 2% फॉर अ डे, उसके बाद वो 10% भी चला जाए तो उसको सोचना नहीं है कि शायद मैं लगा रहता तो मुझे 10% मिल जाते, ये इस नहीं सोचना है, दिस थिंकिंग इज़ रॉन्ग। आपको ट्रेड लेना है, ट्रेडेड टारगेट लेना है और निकल जाना है। आई अबाउट 7 at 2568, सोल्ड एट 2620 आफ्टर दैट। हाँ ठीक है, डोंट वरी, आपको प्रॉफिट होना चाहिए मेन थिंग एट द एंड ऑफ द डे। Want to buy stocks with from FMCG sector, HUL is the leader but it's hitting all time high, right buy right price। मेरे हिसाब से अभी इससे थोड़ा दूर रही है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगी ये ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ कंसिडर Q&A वीडियो, माई वॉच लिस्ट फॉर बाय फॉर मिनिमम 5 ईयर पीरियड, बहुत लंबी लिस्ट है, फिर मैं आपको उसमें बता देता हूँ कौन सा स्टॉक अच्छे हैं। प्राइमा फेस है, HDFC गुड है, ये भी ठीक है, इसमें ख़राब स्टॉक मुझे कोई नहीं लग रहा है, ऑल आर गुड क्वालिटी स्टॉक्स। थोड़ा सा PNG महंगा है, तो आपके छोटे 2-3 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, बाकी इतने सारे स्टॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, 2-3 लाख के लिए मैक्सिमम 5-6 स्टॉक्स ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा स्टॉक्स मत लीजिएगा, बाकी सारे स्टॉक्स ही ठीक ही हैं ब्रॉडली। बाय चीप स्टॉक्स इन ह्यूज क्वान्टिटी और कॉस्टली 120, मैं हमेशा इसके फेवर में रहूँगा, कॉस्टली इन 120 इज़ बेटर रदर देन RVNL या फिर ट्राइडेंट के 10,000 शेयर ले लिए, तो ट्राइडेंट के 10,000 शेयर लेने से अच्छा है कि आप मे बी HUL के कुछ शेयर लें, तो ज़्यादा बेहतर है। हाई वेल्थ आई हैव स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेल्टा कॉप 68, LTP 65, टुडे रिसीव द कम्युनिकेशन दैट दे आर बाइंग बैक एट ₹100, सो यू कैन गो अहेड। भाई डेल्टा कॉप थोड़ा सेम स्टॉक है, इसमें थोड़ी दिक्कत रहेगी फ्यूचर में भी, जितना निकल जाए उसको निकाल दो। सर आई वॉन्ट टू शेड सम स्टॉक्स फ्रॉम माई पोर्टफोलियो टू अवॉइड ओवर डाइवर्सिफिकेशन, प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से स्टॉक आप हटा सकते हो। यू कैन कैरी ऑन विद ऑल दीज। बजाज फाइनेंस इज गुड स्टॉक, LTs अगेन, RVNL चाहो तो यू कैन एग्जिट, वोटस इज गुड, एस्ट्रल इज ऑल्सो गुड, RIL चाहो तो थोड़ा सा यू कैन लाइटन इट अप, थोड़ा सा कम कर सकते हो, बाकी ICICI चाहो तो उसको भी थोड़ा सा लाइट कर सकते हो, क्योंकि HDFC बैंक ऑलरेडी आपके पास है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है तो प्लीज़ ड्रॉप इट, अदरवाइज कल के दिन की जो फर्स्ट वीडियो पड़ेगा उसमें आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त इस समय चल रहा है इन्वेस्टमेंट का, तो लिंक पड़ा हुआ है, यू कैन गेट इट ओपन फॉर योर नियर एंड डियर वन एज वेल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।